हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एंजाइम्स के जो है जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो संरचना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में मैंने ये भी बताया था कि कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। ये वाला स्टेटमेंट है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। लेकिन इस जो ये स्टेटमेंट है इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, और वो अपवाद के बारे में या एक्सेप्शन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स, जिसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था राइबोजाइम हो गया, राइबो न्यूक्लियस पी एंड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो क्या होते हैं, एक्चुअल में आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको छोड़ के और बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे नेचर में क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। ओके, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, बट नॉट पॉसिबल दैट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। जितने एंजाइम्स हैं वो सारे क्या हो सकते हैं? प्रोटीन्स हो सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जितने के जितने प्रोटीन हैं वो सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करें? एंजाइम्स की तरह बिहेव करें। ओके, तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर पे जाए तो स्ट्रक्चर पे हमको मेनली देखने पे या हम किस पर फोकस करेंगे? अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने देखा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो जनरली जो इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं, आप जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके पॉलीमर होते हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सब किसके बहुलक होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, अमाइनो एसिड के बहुलक होते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड या डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट आता है सिंपल अमाइनो एसिड एंड सेकेंड सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंजाइम्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट सिंपल एंजाइम, फर्स्ट कौन सा है? सिंपल एंजाइम एंड सेकेंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल हिंदी में इसको बोलते हैं सरल एंजाइम, और कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है सहयुग्मित। सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर बेस्ड डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कि जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, केवल ही किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन के अलावा इसमें और किसी भी टाइप के जो है सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होते हैं वो जनरली प्रोटीन प्लस कुछ पार्ट इनमें किसका होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, मतलब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के साथ में अदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्जुगेट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल बॉन्ड।
ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक बंध है उनकी सहायता से जो प्रोटीनीय भाग होता है उसके साथ में अप्रोटीनीय भाग क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो ये कौन से एंजाइम हो गए, सहयुग्मित एंजाइम हो गए। मतलब यहाँ पर सिंपल एंजाइम के अंदर केवल और केवल क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जो सिंपल एंजाइम्स हैं उनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो एग्जांपल में आता है, एक तो आता है पेप्सिन एंजाइम के बारे में आप सबने सुना होगा। पेप्सिन एंजाइम जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टोमक में प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में, स्टोमक, आमाशय के अंदर प्रेजेंट होता है। और स्टोमक की कौन सी सेल्स इसको सिक्रेट करती हैं, चीप सेल्स जो होती हैं, मुख्य कोशिकाएं जो होती हैं, स्टोमक का जो म्यूकस लेयर होती है उसकी जो चीप सेल्स होती है वो इसको क्या करती है, सिक्रेट करती है। ओके, जनरली ये जो एंजाइम होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में एंजाइम के बारे में यहीं पर डिटेल के अंदर बात करते हैं, क्योंकि एक ऐसा एंजाइम है, सिंपल एंजाइम है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है विच वन इज द सिंपल एंजाइम और विच वन इज कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पेप्सिन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक स्टोमक में प्रेजेंट होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और डाइजेशन किसका करता है, ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। इसका जो सिक्रेशन होता है वो कौन सी सेल्स करती है, चीप सेल्स करती हैं, स्टोमक में प्रेजेंट होती हैं। एक्चुअल में चीप सेल से जब ये सिक्रेट होता है तो ये एक जाइमोजन के फॉर्म में सिक्रेट होता है, जाइमोजन। अभी जाइमोजन क्या होता है, जाइमोजन्स आर द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम। कोई भी जो एंजाइम है उसकी जो निष्क्रिय अवस्था होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जाइमोजन के नाम से जानते हैं। तो जो पेप्सिन होता है वो चीप सेल से किस फॉर्म में, जाइमोजन के फॉर्म में सिक्रेट होता है, और उस जाइमोजन को क्या बोला जाता है, पेप्सिनोजन। इसको क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन। जैसे ही इसको स्टोमक में सिक्रेट किया जाता है तो इस ये HCl के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एक्टिव फॉर्म क्या होती है, पेप्सिन। किसमें कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो पेप्सिनोजन सिक्रेट हो रहा है, ये पेप्सिनोजन एक्चुअल में क्या होता है, एक जाइमोजन होता है। ठीक है, क्या होता है, जाइमोजन होता है, और ये जाइमोजन बाद में किसके हेल्प से, HCl के हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें कि ये यहाँ पर क्या होता है, पेप्सिन जो है उसमें ओनली क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, और इसके अंदर अप्रोक्स जो है 326 क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 326। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पेप्सिनोजन और पेप्सिन में क्या डिफरेंस होता है, पेप्सिनोजन में यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है अमाइनो एसिड्स होते हैं, कितने, 44 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 326 प्लस 44 अमाइनो एसिड यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इसको पेप्सिनोजन से किस में कन्वर्ट किया जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसमें से एक जो पार्ट होता है 44 अमाइनो एसिड्स का जो पार्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, और केवल क्या रह जाता है, पेप्सिन, जिसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 326। इसका जो फंक्शन होता है पेप्सिनोजन का, वो फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। प्रोटीन की जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ओके, तो ये फर्स्ट एंजाइम है कौन सा, सिंपल एंजाइम। सेकंड जो सिंपल एंजाइम होता है वो है ट्रिप्सिन। एक और एंजाइम के बारे में हम बात करते हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो सिक्रेट होता है किससे, पेनक्रियास से। जनरली ये किस में प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन। फर्स्ट सिंपल एंजाइम, फर्स्ट एग्जांपल इसका था पेप्सिन। ओके, जिसमें कितने अमाइनो एसिड है, 326 अमाइनो एसिड्स। सेकेंड एंजाइम, सिंपल एंजाइम ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन, इसमें जो है टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं 220 अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्रिप्सिन है उसका सिक्रेशन कौन करता है, हम डाइजेशन के अंदर इसके बारे में डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। इसका सिक्रेशन होता है पेनक्रियाज की जो सेल्स होती हैं, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पेनक्रियाज का, उससे इसका क्या होता है, सिक्रेशन होता है ट्रिप्सिन का। ये भी किस में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये जो है ये अपना ये जनरली एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। पेप्सिन जो होता है क्या करता है, एसिडिक पीएच पे 1.5 टू 2.5 पीएच तक इस पे वर्क करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है वो जनरली किस कौन से पीएच पे वर्क करेगा, एल्कलाइन पीएच पे वर्क करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है। तो ये टू एग्जांपल्स इसके हो गए। उसके बाद में आता है नेक्स्ट एग्जांपल इसका यूरिएज। यूरिएज भी क्या होता है, एक सिंपल एंजाइम होता है। मींस कि यहाँ पर इसके अंदर ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, मींस कि अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं 840 अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा एक और एंजाइम है अमाइलेज एंजाइम। कौन सा, अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम। इसका क्या फंक्शन होता है अमाइलेज एंजाइम का, ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है, इज द टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। अमाइलेज का क्या फंक्शन है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, एंड माल्टोज डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। माल्टोज जो होता है टू ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, दोनों ग्लूकोज यूनिट बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के हेल्प से एक दूसरे से क्या रहती है, अटैच रहती हैं। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, अमाइलेज का होता है। अमाइलेज जो है हमारी बॉडी के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें अमाइलेज का, तो ये थ्री टाइप्स के अमाइलेज होते हैं। यहाँ पर एक होता है अल्फा अमाइलेज, बीटा अमाइलेज एंड गामा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज, अल्फा, बीटा अमाइलेज एंड गामा अमाइलेज। हमारी जो ह्यूमंस बॉडी जो है उसके अंदर जनरली कौन सा प्रेजेंट होता है, अल्फा अमाइलेज। अब ये भी दो जगह प्रेजेंट होता है, एक तो सलाइवरी अमाइलेज होता है, लारीय अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको जनरली क्या बोला जाता है, टाइलिन, क्या बोलते हैं, टाइलिन, ठीक है। ये हमारी किस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा, लार के अंदर प्रेजेंट होता है। और माउथ के अंदर जो स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है इसका सिक्रेशन कौन करते हैं, पेनक्रियाटिक सेल्स करती हैं। और जो पेनक्रियाटिक सेल्स होती है वो कौन सी होती हैं, एसिनर सेल्स। कौन सी सेल्स होती है, एसिनर सेल्स, एसिनर। पेनक्रियाज की जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा एसिनर सेल्स, ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का, वो सिक्रेट करता है। तो अल्फा अमाइलेज जो जनरली होता है वो कौन से पीएच पे वर्क करता है, इसके जो ऑप्टिमल जो पीएच होता है वो होता है 6.727 तक। कितना होता है, 6.727 तक इसका पीएच होता है, जिस पर ये प्रॉपरली क्या करता है, वर्क करता है। और इसके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं किसमें, अल्फा अमाइलेज में, ये होते हैं 496 अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड का बना होता है ये, 496 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। कौन सा, अल्फा अमाइलेज। सेकंड आता है बीटा अमाइलेज, ये जनरली हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और प्लांट्स, प्लांट्स का कौन से पार्ट, जनरली जो सीड्स होते हैं, सीड्स जो होते हैं वहाँ पर कौन सा अमाइलेज प्रेजेंट होता है, बीटा अमाइलेज प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका सेम होता है, लेकिन ये जनरली एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। और इसके लिए जो ऑप्टिमल पीएच होता है वो होता है 4 to 5। बीटा अमाइलेज किस पे वर्क करेगा, 4 to 5 पीएच पे वर्क करेगा। इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं अल्फा के कंपेयर में 3 अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा होते हैं, 499 अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं बीटा अमाइलेज में। ओके, नेक्स्ट हम बात करें एक और, आप लोग जनरली बायोलॉजी के अंदर तो इसको नहीं सुनोगे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर या फर्मेंटेशन जो प्रोसेस आता है वहां पर एक एंजाइम का नाम सुनते हो, डायस्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डायस्टेज,
डायस्टेज एंजाइम। एक्चुअल में ये जो डायस्टेज एंजाइम होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये सीड्स में प्रेजेंट होता है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, पीएच मिलता है, तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और जो स्टार्च होता है उसका क्या करने लग जाता है, ब्रेक डाउन करने लग जाता है। तो जो ये डायस्टेज एंजाइम होता है इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा एमाइलेज होता है, बीटा एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज होता है, बीटा एमाइलेज। मींस डायस्टेज एंजाइम हमारी बॉडी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, अल्फा एमाइलेज। टू टाइप्स का, एक तो सलाइवरी एमाइलेज एंड सेकेंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज। थर्ड जो एंजाइम आता है वो होता है गामा एमाइलेज। गामा एमाइलेज इससे भी ज़्यादा जो है एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है। इसके लिए पीएच जो है वो कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स 3 पीएच पे ये क्या करता है, वर्क करता है। जहाँ पर अल्फा और बीटा एमाइलेज काम नहीं करते हैं वहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है, गामा एमाइलेज जो है प्रॉपरली क्या करता है, फंक्शन करता है। आप लोग आगे जाके स्टार्च की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च की स्ट्रक्चर में आप लोगों को टू जो है पॉलीमर्स देखने को मिलेंगे, एक तो अमाइलोज होता है, एक अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है पॉलीसेक्राइड, और जो अमाइलोपेक्टिन होती है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये दोनों ही अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन किस में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च में प्रेजेंट होते हैं। तो इस जनरली जो होता है ये जो बीटा या अल्फा जो होता है, यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर हम बात करें अमाइलोज का, ये तो एक लीनियर स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पर ये जो टू ग्लूकोज यूनिट होती है वो कौन से बॉन्ड से अटैच रहती है, ग्लाइकोसाइडिक, और जनरली इसको बोला जाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन ये तो किसकी बात हुई, अमाइलोज, जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, वो भी किसमें प्रेजेंट होता है, स्टार्च में प्रेजेंट होता है, तो ये जनरली क्या होता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। मतलब एक तो लीनियर हो गई और बीच बीच में इसमें क्या निकली हुई होती है, ब्रांच निकली होती है। तो ये वाला तो कौन सा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये जो दूसरा जो ब्रांच निकली हुई है ये होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है एमाइलोपेक्टिन में, उसको ना तो अल्फा एमाइलेज ब्रेक डाउन कर पाता है, ना बीटा एमाइलेज ब्रेक डाउन कर पाता है, उसको ओनली कौन ब्रेक डाउन कर सकता है, गामा एमाइलेज। तो यहाँ पर हमने एमाइलेज के बारे में बात की, थ्री टाइप्स के होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके, सिंपल एंजाइम्स के। कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, यूरिएज एंड एमाइलेज, और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बात की। सेकेंड आता है फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सेकेंड कॉन्जुगेट एंजाइम, कॉन्जुगेट एंजाइम में क्या होता है कि प्रोटीन के साथ में और क्या अटैच रहता है, ए प्रोटीन पार्ट भी अटैच रहता है। और जो ए प्रोटीन पार्ट होता है उसको जनरली क्या बोला जाता है, कोफैक्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, कोफैक्टर। और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम ये दोनों मिलके बनाते हैं होलो एंजाइम। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंजाइम्स कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, किसमें, प्रोटीन। केवल प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा एंजाइम हो गया, सिंपल एंजाइम। प्रोटीन के साथ साथ में यहाँ पर और क्या होता है, ए प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन। ओके, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको मैंने बताया कि क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। एंड नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसको क्या बोला जाता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर हिंदी में बोलते हैं सहकारक, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। और ये दोनों मिलके इनको कंबाइंडली क्या बोला जाता है, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। क्लियर। तो यहां पर
प्रोटीन पार्ट के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो कोवेलेंटली बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेटली बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, किसी टाइप का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में हो सकता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से क्या है, अटैच है। तो ये जो कोफैक्टर होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर मेटल आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये किसके साथ में अटैच रहते हैं, प्रोटीन पार्ट के साथ में अटैच होकर एक किसका फॉर्मेशन करते हैं, होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। और यही एंजाइम जो होता है होलो एंजाइम, ये क्या रहता है, एक्टिव कंडीशन में रहता है। अगर होलो एंजाइम में से हम किसको निकाल दें, कोफैक्टर को निकाल दें, तो जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा, उनकी जो रिएक्शन है उसके अंदर वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर हम एपो एंजाइम्स के बारे में, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करें हम कोफैक्टर के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे कोफैक्टर जो है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर या सहकारक, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताते हैं, एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये कोई भी एंजाइम है, इस तरीके से हम इसको बना देते हैं, ये एक एंजाइम है, और ऐसा मान लेते हैं कि ये एंजाइम जनरली क्या करते हैं, ये जो सबस्ट्रेट होता है, क्रियाधार जो होता है, उसके साथ में अटैच होते हैं और उसको जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, उत्पाद में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। मतलब कि जो एंजाइम है उसको सबस्ट्रेट के साथ में, ये इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्रियाधार, ठीक है, जिसको किस में कन्वर्ट होना है, बाद में प्रोडक्ट में, उत्पाद में कन्वर्ट होना है। तो एंजाइम सब्सट्रेट के साथ में कंबाइंड होता है, और जब ये कंबाइंड होगा तो जहां पर एंजाइम की वो साइट या वो प्लेस जहां पर कौन अटैच होता है, सब्सट्रेट अटैच होता है, कौन आकर अटैच होता है, सब्सट्रेट आकर अटैच होता है, उस साइट को बोला जाता है एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल उसको बोलते हैं, ठीक है। सक्रिय स्थल क्या होता है, एंजाइम का वो भाग या वो जगह पर्टिकुलर जहां पर कौन आकर जुड़ता है, उससे क्रियाधार आकर जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल बोलते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर साइट जहां पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, तो वो कौन सी साइट हो गई, एक्टिव साइट हो गई, ओके। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, कॉन्जुगेटेड एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कौन जरूरी होता है, कोफैक्टर जरूरी होता है। अब मैंने बताया कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, मेटल आयंस हो सकते हैं, तो उस बेस पे जो कोफैक्टर है उनको थ्री कैटेगरीज के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब किसके बारे में, कोफैक्टर। कोफैक्टर किसका पार्ट है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का पार्ट है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन या अप्रोटीन भाग होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर या सहकारक उसको बोलते हैं, कोफैक्टर। जनरली जो कोफैक्टर्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं जो एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये थ्री टाइप्स के जो हैं वो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया मेटल आयंस, फर्स्ट तो कौन सा हो गया, मेटल आयंस। सेकंड, मेटल आयंस के बाद में जो सेकंड है वो हो सकते हैं कौन से, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, या फिर को एंजाइम्स। थर्ड कौन से हो सकते हैं, को एंजाइम्स। ये तीनों ही क्या क्या है, कोफैक्टर है, ये तीनों ही क्या है, कोफैक्टर। ये तीनों किसके साथ में अटैच होते हैं, प्रोटीन के साथ में अटैच होते हैं, प्रोटीन पार्ट के साथ में अटैच होते हैं, प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। तो मेटल आयंस, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। तो यहां पर अगर हम बात करें किस किस के बारे में, एक तो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और कोएंजाइम्स भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, कार्बनिक के पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक, और दोनों ही क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में क्या डिफरेंस होता है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जब प्रोटीन पार्ट के साथ में अटैच होते हैं तो इनका जो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। ये परमानेंटली किसके साथ में अटैच हो जाते हैं, एपो एंजाइम के साथ में अटैच होके क्या बनाते हैं, एक होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो कोएंजाइम्स होते हैं वो उनका जो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है, टेम्प्रेरी होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए होता है। और वो कुछ समय क्या होता है, जब रिएक्शन हो रही है तो उसी टाइम पे एक कोएंजाइम प्रोटीन पार्ट के साथ में अटैच होके और उस केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और मेटल आयंस आपको पता ही है ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स के क्या होते हैं, कोफैक्टर हो गए, एक तो मेटल आयंस हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, एंड कोएंजाइम। इन दोनों में डिफरेंस, दोनों नेचर में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, मेटल आयंस इनऑर्गेनिक होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली किसके साथ में अटैच रहते हैं, एपो एंजाइम के साथ में अटैच होते हैं। लेकिन कोएंजाइम्स टेम्प्रेरी जो है किसके साथ में अटैच होते हैं, एपो एंजाइम के साथ में अटैच होते हैं। हम इसमें सबसे पहले बात करें मेटल आयंस के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, मेटल आयंस। देखो जो कोफैक्टर का जो मेटल आयंस पार्ट होता है वो जनरली जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, एंजाइम की कौन सी साइट, जैसे अभी मैंने बनाया था यहाँ पर, ये एंजाइम हो गया, ये इसकी मान लेते हैं ये कौन सी साइट हो गई, एक्टिव साइट हो गई। इस एक्टिव साइट पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये एक्टिव साइट, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट, कौन सा पार्ट है, प्रोटीन, एंजाइम का प्रोटीन पार्ट, या और क्या बोल सकते हैं इसको, एपो एंजाइम। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के। तो यहाँ पर एक्टिव साइट के अंदर जो साइड चेन्स यहाँ पर होती हैं, अमाइनो एसिड्स की कौन सी चेन, साइड चेन्स जो होती हैं उनके साथ में कौन अटैच हो जाता है, मेटल आयंस। कौन अटैच होता है, मेटल आयंस, मतलब जो मेटल आयंस है वो एक साइड तो किसके साथ में अटैच हो रहा है, प्रोटीन पार्ट के साथ में अटैच हो रहा है, और दूसरे साइड में ये किसके साथ में अटैच हो जाता है, सबस्ट्रेट के साथ में, दूसरे साइड में किसके साथ में, सबस्ट्रेट के साथ में। तो यहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए ब्रिज, एज ए ब्रिज वर्क करता है, एक पुल की तरह या सेतु की तरह कार्य करता है, किस किस के बीच में, एपो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, कौन, मेटल आयंस। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, कुछ मेटल आयंस की बात करें, इसमें आयरन, आयरन जो होता है ये जनरली एक एंजाइम होता है, कैटालाइज एंजाइम, कैटालाइज, ठीक है, कैटालाइज एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो होता है H2O2 को हाइड्रोजन परोक्साइड को किस में कन्वर्ट करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैटालाइज हो गया, परोक्सीडेज हो गया। तो ये ऐसे एंजाइम हैं जिनके अंदर एज ए कोफैक्टर कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम, इस ये मैग्नीशियम जो होता है कुछ एंजाइम जैसे हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो गया, रूबिस्को, रूबिस्को, रूबिस्को एंजाइम हो गया, इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सीलेज एक और एंजाइम होता है जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, वो होता है कार्बोक्सीलेज, कार्बोक्सीलेज। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे रूबिस्को जो होता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्लांट्स किंगडम के अंदर, सबसे ज़्यादा जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है। इसमें कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। हेक्सोकाइनेज ये एंजाइम जो है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, आप लोग आगे जाके इसके बारे में स्टडी करोगे, इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। जिंक, जिंक जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ZN, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, उसमें ये प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लाइपेज, लाइपेज एक एंजाइम होता है, इसमें जो एज ए मेटल आयन वर्क करता है। लाइपेज, लाइपेज जो है लिपिड का क्या करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लाइपेज के अंदर जो मेटल आयन प्रेजेंट होता है वो होता है कैल्शियम,
कौन सा होता है? कैल्शियम। यूरियाज एंजाइम के बारे में हमने अभी बात की। यूरियाज जनरली क्या होता है? सिंपल एंजाइम में आता है वो। तो एक होता है एंजाइम एटीपेज, जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। एटीपेज जो एंजाइम है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम। सोडियम जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? मेटल आयंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बताए। तो जो मेटल आयंस होते हैं वो जनरली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये एज ए ब्रिज किस किस के बीच में काम करते हैं? एपो एंजाइम और सबस्टेट के बीच में काम करते हैं। अब अगर जैसे हम बात करें हेक्सोकाइनेज या इसमें से किसी भी एंजाइम को ले, अगर वहाँ पर ये मेटल आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, फर्स्ट हो गया मेटल आयंस, सेकंड आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकंड कोफैक्टर कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में मैंने बताया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, और ये परमानेंटली किसके साथ में अटैच होते हैं? प्रोटीन पार्ट या एपो एंजाइम के साथ में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। सेकेंड आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बनिक अणु होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड परमानेंटली अटैच विथ एपो एंजाइम। परमानेंटली किसके साथ में अटैच होते हैं? एपो एंजाइम के साथ में ये अटैच होते हैं। ओके, इसका जो एग्जांपल है परोक्सीडेज, कैटालेज, ठीक है, इनके एग्जांपल्स जो पीछे पढ़ा था परोक्सीडेज, ये दोनों में आता है, परोक्सीडेज हो गया। इसके अलावा साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, ठीक है, और इसके अलावा फ्लेवोप्रोटीन, कुछ जो फ्लेवोप्रोटीन्स होती हैं, फ्लेवो प्रोटीन्स, ये भी किसकी तरह वर्क करती हैं? एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह क्या करती हैं? वर्क करती है। इसके बाद में थर्ड आता है को एंजाइम्स। थर्ड जो को फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? को एंजाइम। को फैक्टर, इसमें हम थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड कौन सा है? को एंजाइम। को एंजाइम ये भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनका जो अटैचमेंट होता है किसके साथ में? एपो एंजाइम के साथ में। वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है, जब तक क्या नहीं होती है, रिएक्शन होती है तब तक ये किसके साथ में अटैच रहते हैं? एपो एंजाइम के साथ में अटैच होते हैं, और बाद में क्या हो जाते हैं? ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे जो को एंजाइम्स जिनके हम एग्जांपल की बात करें, तो इन को एंजाइम में बहुत सारे जो हम विटामिन्स पढ़ते हैं, विटामिन पढ़ते हैं, तो वो इनके मुख्य क्या, मेन क्या होते हैं? कॉम्पोनेंट होते हैं। जैसे हम को एंजाइम की बात करें, कुछ को एंजाइम्स के बारे में हम बात करते हैं। इधर को एंजाइम का मैं नेम लिख रहा हूँ, को एंजाइम। यहाँ पर एक को एंजाइम होता है थियामिन पाइरोफॉस्फेट, थियामिन पाइरोफॉस्फेट, ये किसका एग्जांपल है? को एंजाइम का एग्जांपल है थियामिन पाइरोफॉस्फेट, एफएडी, एफएमएन, एफएडी एंड एफएमएन। उसके बाद में आता है एनएडी एंड एनएडीपी, एनएडी एंड एनएडीपी। एक होता है को एंजाइम ए, को एंजाइम ए, ये सारे क्या है? को एंजाइम्स के एग्जांपल। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे ये फोर एग्जांपल्स बता रहा हूँ केवल। थियामिन पाइरोफॉस्फेट, अब इसका जो मेन केमिकल कंपोनेंट होता है थियामिन पाइरोफॉस्फेट का, वो होता है विटामिन B1। इसके अंदर मेन कौन प्रेजेंट होता है? विटामिन B1, और विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थियामिन। क्या होता है? थियामिन। इसी तरीके से एफएडी और एफएमएन, एफएडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडी की फुल फॉर्म
फ्लेविन, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड. फ्लेविन, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FMN, फ्लेविन, एडिनिन, मोनोन्यूक्लियोटाइड. FMN की फुल फॉर्म F4, फ्लेविन, एडिनिन, फ्लेविन, एडिनिन, M4, मोनो, N4, न्यूक्लियोटाइड. ये इसकी फुल फॉर्म होती है. FAD और FMN जो होता है उसके अंदर जो विटामिन प्रेजेंट होता है वो होता है विटामिन बी टू. इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन. इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है. इसी तरीके से NAD एंड NADP. NAD की फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. NAD क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. एक और यहाँ पर क्या लग गया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? NAD है ये, NADP. P4 क्या ऐड हो जाएगा इसमें? फॉस्फेट. ये सब आप लोगों को जब आप रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सब आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पर जो FAD और FMN होता है उसमें जनरली जो होता है कौन सा एंजाइम बताया मैंने, कौन सा विटामिन? विटामिन B2. और NAD और NADP के अंदर जो होता है वो होता है विटामिन बी थ्री. इसमें प्रेजेंट होता है नियासिन, जिसको बोलते हैं नियासिन भी बोलते हैं. और एक और इसका नेम होता है निकोटिनिक एसिड, नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड, ठीक है. और को एंजाइम उसके बाद में आता है को एंजाइम ए. को एंजाइम ए जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन बी फाइव. और यहाँ पर विटामिन बी फाइव जो होता है उसको केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड. तो यहाँ पर ये सारे जो है एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल किसके हैं? कोएंजाइम्स के हैं, ठीक है. ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन पार्ट ये जनरली नहीं होते हैं. ये किसके साथ में अटैच होते हैं? एपो एंजाइम के साथ में. और एक किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, क्लियर. तो मैंने आज की क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया? एंजाइम्स के बारे में. तो एंजाइम्स जो है उनकी कौन कौन सी कैटेगरी थी? 2 कैटेगरी. एक तो सिंपल एंजाइम, सरल एंजाइम जो होते हैं जो केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं. इनके एग्जाम्पल के बारे में बात की. सेकेंड होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम. दूसरे कौन से हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम. इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो प्रोटीन पार्ट तो हो ही गया, प्रोटीन पार्ट के अलावा और क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट भी यहाँ पर क्या होता है? अटैच होता है. प्रोटीन पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम. प्रोटीन पार्ट को क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या होते हैं? कोफैक्टर्स. उनको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर के बारे में हमने बात की, ये क्या होते हैं? 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मेटल आयंस हो सकते हैं, या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप, या फिर को एंजाइम्स, ठीक है. मेटल आयंस, कौन से एंजाइम में कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को लर्न करना है. कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, को एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है. सिंपल एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, यूरियज हो गया और एमाइलेज हो गया. ये कैसे होते हैं? सिंपल एंजाइम होते हैं क्योंकि ये केवल और केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, उनमें किसी भी टाइप के नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड नहीं होता है. ओके, तो ये हो गई आज की क्लास के बारे में. नेक्स्ट क्लास के बाद में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एंजाइम के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. तो ये था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. थैंक यू.